नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में, कि क्यों आज भी मूल गर्भगृह बंद है, क्या मूल गर्भगृह में खजाना छिपा है, और बात करेंगे ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने नंदी का न होने के बारे में, और किस कारण से मूल गर्भगृह कई सौ सालों से बंद है, तो आइए जानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तभी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है। एक बार विंध्य पर्वत ने पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उसके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किए, एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों के स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। कहा जाता है जो इंसान भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आता है उसका सोया हुआ भाग्य खुल जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग और उसके गर्भगृह को लेकर स्थानीय संतों और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका मूल गर्भगृह आज भी बंद है। शंका की वजह है वर्तमान गर्भगृह में नंदी की प्रतिमा का ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने न होना है। अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में शिवलिंग या प्रतिमा के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में नंदी के ठीक सामने दीवार है। जबकि ज्योतिर्लिंग की मान्यता वाले शिवलिंग मंदिर के एक कोने में स्थापित है, तो इससे शिव भक्तों के मन में कई सवाल उठते हैं। यही नहीं, 5 मंजिला मंदिर में 4 मंदिर महाकाल सिद्धेश्वर गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी मंदिर के गर्भगृह एक सिद्ध में है, जबकि ज्योतिर्लिंग का शिखर मंदिर परिसर में अलग है। इससे स्थानीय संतों और शिव भक्तों के मन में कई सवाल है। कहा जाता है कि गर्भगृह में राज परिवार का बेशकीमती खजाना भी होने की भरपूर संभावना है। इसे लेकर भी ओंकारेश्वर मंदिर कई बार सुर्खियों में रहा है। प्रशासन ने इसे खोलने की योजना बनाई, लेकिन राज परिवार के विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरे नहीं चढ़ सकी। माना जाता है
कि इसीलिए आज भी मूल गर्भगृह बंद है। अब इस दीवार पर ग्रेनाइट लगाकर पैक कर दिया है। इससे मंदिर में जाने के बाद आम श्रद्धालु को समझना मुश्किल होता है। आज भी इन चीज़ों से आशंका बनी हुई है, जैसे ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने नंदी का न होना, 5 में से 4 मंदिरों का शिखर अलग होना, महाकाल मंदिर के ठीक नीचे के हिस्से का अलग होना, 1969 के गजेटियर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश ईस्ट निमाड़ में भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां प्रकाशित है। इसमें गर्भगृह का भी उल्लेख है। गजेटियर में नंदी और ज्योतिर्लिंग को एक साथ न होने और नंदी के सामने दीवार बनाकर मूल गर्भगृह को बंद करने का उल्लेख है। लेकिन ये कब बंद किया गया और क्यों बंद किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओंकारेश्वर मंदिर की जांच कर चुकी GCS ग्रुप गुजरात की टीम ने बताया कि 64 खंभों वाले इस मंदिर पर परमार काल की नक्काशी की गई है, जो अधिकतर पुरातन और ज्योतिर्लिंग मंदिरों में बनाई गई है। इसमें हर खंभे पर 12 प्रतिमा है। इस टीम ने भी ज्योतिर्लिंग और नंदी की दिशा अलग होने पर आशंका जताई थी। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली से नर्मदा नदी तक जाने वाला रास्ता गुफा समान है। इस गुफा में 2 रास्ते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक रास्ता सीधे घाट पर जाता है, जबकि दूसरा गर्भगृह के अंदर जाता है। लेकिन चारों ओर से नवनिर्माण के चलते वह बंद हो गया है। वही मंदिर के नीचे से एक रास्ता है, जिसमें एक पक्की नाली बनी हुई है। नाली का रास्ता भी कुछ अंदर जाने के बाद बंद है, जबकि अंदर कुछ खंडित मूर्तियां है। मंदिर का मूल गर्भगृह कई 100 साल से बंद है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। राज परिवार के बुजुर्गों के अनुसार इसे किसी अनहोनी को लेकर बंद किया गया है, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह की दीवार के पीछे वास्तविक शिवलिंग होने की संभावना तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार शिखर के नीचे शिवलिंग की होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए देश के जानी मानी संस्था से 3D सर्वे करवाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर के गर्भगृह के सामने वाली दीवार में छेद किया गया और उससे वायर केबल कैमरे से अंदर की स्थिति जानने का प्रयास किया गया। संभावना है कि आगे की कार्रवाई में इसमें कुछ मिल सकता है, इसलिए पूरे मंदिर परिसर एवं गर्भगृह का 3D सर्वे करवाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह के दीवार के पीछे की स्थिति जानने के लिए जो कार्य किया गया, उससे यह तो पता चलता है कि गर्भगृह की दीवार के पीछे कोई कक्ष जरूर है। आगे भी आधुनिक मशीनों के माध्यम से गर्भगृह की दीवार के पीछे की स्थिति तथा संपूर्ण मंदिर परिसर की वस्तु स्थिति जानने के लिए यह कार्य आगे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। ओम नमः शिवाय।